हे गाइस गुड मॉर्निंग एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे तथा तो आप एवं आपकी फैमिली कोरोना जैसे पेंडेमिक से अभी तक शेफ होगी हो गाइस एक बात बताना देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कल एक भाई का कमेंट आया था कि सर वो सारे क्वेश्चन ही बताइए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और जो आएंगे ही आएंगे तो सबसे पहले एक बात आप लोगों को समझ लेनी है कि सिलेबस आपको पता है थोड़ा सा बिहार बोर्ड के द्वारा रिड्यूस करने की बात की गई थी यानी थर्टी सिलेबस कम करने की बात की गई थी लेकिन की नहीं गई है अभी तक सिलेबस कम करने की बात चल ही रही है लेकिन अभी तक पूरा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हो चुका है और एग्जाम डेट क्लियर आ चुका है तो इस बात से आप लोग अब बिल्कुल खबर रखिए कि सिलेबस आपकी अब आप कम नहीं होगी और दूसरी बात इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एटी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही होंगे क्वेश्चन बैंक से ही होंगे क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है और सरकार को क्वेश्चन कहाँ से लाना होगा तो जो सिलेबस में पहले से आ चुका है वही क्वेश्चन को उन्हें देना होगा ताकि बच्चे इन्हें पढ़कर आगे के लिए पास हो सके तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे जो आपको करना है इसलिए मेरा अधिकतर 50 परसेंट फोर्टी फोर्टी परसेंट फोकस कर लो कि इस बार मैं क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूं और 30 परसेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे बुक्स हैं जो मैंने लिए हैं जैसे गोल्डेंस वगैरह हो गए वहां से या परीक्षा अध्याय परीक्षा बोध उन सभी से लिए हैं और थर्टी खुद से जो माइंड मैंने तैयार किया उससे क्वेश्चन लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ये पढ़ते हैं तो मुझे बिलीव है कि हंड्रेड परसेंट से क्वेश्चन आएंगे लेकिन ये मैं कन्फर्म नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे क्योंकि अगर मुझे ऐसा पता होता गाई तो मैं वही आपको दस क्वेश्चन पढ़ाता मात्र जो आने वाले हैं क्वेश्चन मैं नहीं सेट करता हूँ तो इसलिए मैंने ये सीरीज रखा है ताकि आप यहाँ से पढ़िएगा तो आप ये आपका भाई का गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा हाँ अब ये कन्फर्म नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आएंगे लेकिन इस एक में से क्वेश्चन आएंगे तो ये बातें हैं अगर आप लोग तैयार करते इतना क्वेश्चन को तो जरूर आएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते इतना समझाना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो गया था आज का पहला क्वेश्चन है कि क्रमिक विकास क्या होता है क्रमिक यानी लगातार यानी क्रमांक के अनुसार बैक टू बैक विकास क्या होते हैं तो हम लोग क्रमिक विकास में लिखते हैं कि क्रमिक विकास किसी जनसंख्या के जीन जनसंख्या के जीन मूल में वह सूक्ष्म परिवर्तन है वह छोटा सा परिवर्तन सूक्ष्म मीन्स छोटा सा परिवर्तन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुँच एक नई जनसंख्या का निर्माण करता है जिसे क्रमिक विकास कहते हैं एक न्यू जनरेशन का विकास नई जनसंख्या का विकास करता है उसे हम लोग क्रमिक विकास कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है यह लिखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सहलगनता और जैव विविधता के बारे में लिखें सहलगनता और जैव विविधता के बारे में लिखें तो हम लोग सहलगनता में लिखते हैं कि वैसा जीन जो वैसा जीन जो अर्धसूत्रण विभाजन के यानी आधा सूत्र के विभाजन के समय अर्धसूत्रण विभाजन के समय एक दूसरे से बिना अलग हुए एक दूसरे से बिना अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित या परिवर्तित यहाँ सॉरी आपको लिखना है परिवर्तित होता है सहलगनता कहलाता है सहलगनता कहलाता है यानी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होता है वही हम लोगों का सहलगनता कहलाता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का जैव विविधता देख लेते हैं तो लिखते हैं पृथ्वी पर जीवन के विविधता को जैव विविधता कहा जाता है बहुत ही यही था कि पृथ्वी पर जीवन के विविधता को जैव विविधता कहा जाता है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं आप लोगों ने इसका बहुत ज्यादा नाम भी सुना होगा और ये इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के नजरिए से तो आप लोग इसे याद जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा और एक नोटबुक बना लीजिएगा और ऑलमोस्ट अगर आप लोगों ने इसे पहले से याद कर रखा है तो मैं बार बार समझाता हूँ कि वीडियो को रोक के थोड़ा सा पहले खुद पढ़ लिया कीजिएगा देन उसके बाद इस वीडियो को सुन लिया कीजिएगा देख लिया कीजिएगा लिख लिया कीजिएगा तो क्वेश्चन देखता हूँ कि टेस्ट ट्यूब बीवी किसे कहते हैं तो इसका आंसर होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी शुक्राणु और अंडानु के बीच निषेचन की क्रिया शुक्राणु और अंडानु के बीच निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर टेस्ट शरीर के अंदर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है टेस्ट ट्यूब में किया जाता है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है दैट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी उसे भी हम लोग कहते हैं <coughs> आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि आभासी फल और वास्तविक फल किसे कहते हैं आभासी फल और वास्तविक फल किसे कहते हैं ये क्वेश्चन हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे शामिल किया है आभासी फल हम लिखते हैं जब फल का विकास जब फलों का विकास अंडाशय से ना होकर जब फलों का विकास अंडाशय से नहीं होता है जब फल का विकास पुष्प के भाग से होता है यानी जो उसके परत होते हैं पुष्प के भाग का अर्थ या उसके पे या उसके परागन या परागन उससे होते हैं जिसे हम लोग अभासी फल कहते हैं तो उस तरह के फल को हम लोग क्या कहते हैं गाइस आभासी फल कहते हैं जबकि हम लोग लिखते हैं वास्तविक फल में कि जब फल का विकास जब फल का विकास अंडासय से होता है जब फलों का विकास अंडासय से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे हम लोग वास्तविक फसल कहते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ आपका आपका अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संतति नियंत्रण संतति नियंत्रण में किन्ही तीन उपाय के नाम लिखे संतति नियंत्रण में किन्हीं तीन उपाय के नाम लिखे तो हम लोग आंसर करेंगे कि संतति नियंत्रण के तीन उपाय निम्नलिखित हैं और आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों का पाँच दिसंबर यानी पाँच दिसंबर से लाइव टेस्ट और लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें हम लोग डेली लाइव करेंगे और आप लोगों के लिए वहाँ पर पढ़ाई का काम करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी तो पाँच दिसंबर से आप लोगों की लाइव स्टार्ट हो जाएगी अभी कुछ उपकरण कुछ यंत्र और कुछ आपके डॉक्यूमेंट जो ऐसे जिसे मैं हम लोग प्रोसेट करा के प्रोवाइड करेंगे ग्रुप के थ्रू आप लोगों को जिस कारण से वहाँ से आपको हेल्प होगी वो हम लोग इक्विपमेंट जमा करें ताकि आप लोगों का जब एक बार पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो पूरा का पूरा हम लोग साथ में करते रहें तो हम लोग लिखते हैं संतति नियंत्रण के तीन उपाय निम्नलिखित लिखे नंबर एक हार्मोनल विधि के द्वारा हार्मोनल आप लोग को पता है हार्मोन के द्वारा दूसरा आता है प्राकृतिक विधि के द्वारा तीसरा होता है रासायनिक विधि के द्वारा और चौथा होता है यांत्रिक विधि के द्वारा एक यंत्र के द्वारा ये चार विधियां होती है संतति नियंत्रण के लिए अब संतति क्या होती है आप बेटर जानते हैं कुछ ऐसी भाषाएं होती है जिसे हम लोग यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं लेकिन आप लोग उतना समझदार हैं जो समझ जाएंगे अगला है कुछ वन्य जीवों के विलुप्तता के दो कारण लिखें कुछ वन्य जीव आप लोगों को पता है जो खतरा

पूछा गया क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन की परिभाषित करें उत्तक संवर्धन या संवर्धन कहीं पर लिखा रहता है धग स्व पूरा स्व या सम लिखा होता है तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होगा सारे का आंसर होगा हम लोग लिखेंगे जब किसी उत्तक के माध्यम में जब किसी उत्तक के माध्यम में रखकर जब किसी उत्तक को माध्यम में रखकर उसकी वृद्धि बढ़ाई जाती है तो उसकी वृद्धि बढ़ाई जाती है तो वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है इस प्रक्रिया को हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं इस प्रक्रिया को हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं आइए एक बार से करते हैं कि जब किसी उत्तक को जब किसी उत्तक को उत्तक को माध्यम में रखकर किसी भी एक प्रखंडली जिसे हम लोग कहते हैं या माध्यम किसी भी तरह का माध्यम होता वहां कर, है वहां रखकर उसकी वृद्धि कराई जाती है यानी उसमें जब उसको बड़ा किया जाता है वृद्धि कराया जाता है तो वह पूरे अंग का जीव का रूप ले लेता है पूरे अंग का जीव यानी एक मैनेंशियल बॉडी जिसे हम लोग कहते हैं फुल बॉडी फुल बॉडी का रूप लेता है इस प्रक्रिया को हम लोग उत्तक संवर्धन कहते हैं तो आप लोग कर उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा और यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आई प्रोमिस गाइज आई प्रॉमिस कि इन 120 क्वेश्चनों के सीरीज में आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आप लोगों को बिलीव ना हो तो आप पिछले साल के हम लोगों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अगर ये क्लास ट्वेल्थ की वीडियो थी अगर आप लोगों के भाई बहन या कोई भी क्लास टेंथ में है तो आप लोग इसी चैनल के एक अदर चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर जाकर पढ़ सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल थे तो जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हो सके तो वीडियो वीडियो को को चैनल लाइक करके चैनल को ऑलमोस्ट सब्सक्राइब करके जाइएगा मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दिन आपका शुभ हो